साया तुम्हें कितना खुश था पर तूने जंग शुरू कर दी। मर गया वो। तो फाइनली दोस्तों रणबीर कपूर और बॉबी देओल की वायलेंस और एक्शन से भरी हुई फिल्म एनिमल आज इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपना तीसरा दिन पूरा कर रही है। और आज अपने तीसरे दिन के साथ ही इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सभी बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। और दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड की 3 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नंबर 1 फिल्म साबित होती हुई नजर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म एनिमल 3 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने 3 दिनों में क्या पठान, जवान, टाइगर 3, KGF चैप्टर 2 और बाहुबली के रिकॉर्ड्स को तोड़ा है या नहीं, और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इतिहास की नंबर 1 फिल्म बनने वाली है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी सुपरस्टार रणबीर कपूर और बॉबी देओल के डायहार्ड फैन से उनकी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संदीप रेड्डी वंगा के डायरेक्शन में बनने वाली एक एक्शन थ्रिलर और वायलेंस से भरी हुई फिल्म है एनिमल, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार रणबीर कपूर ड्यूल रोल में नजर आए हैं। क्योंकि दोस्तों उनका एक रोल तो जहां अपने बाप से मोहब्बत के चक्कर में सभी को मार देता है, तो वहीं दोस्तों दूसरा रोल है यहां पर उनका पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद, जहां पर वो अपने भाई का बदला लेने के लिए वायलेंस अवतार में नजर आते हैं। यही वजह है कि दोस्तों उनकी इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में काफी अच्छा बज बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों बॉबी देओल ने भी इस फिल्म में धमाकेदार काम किया है। दोस्तों बताते चले आपको कि फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 4,500 स्क्रीन्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल ओपनिंग ली और लगभग 35 करोड़ रुपए की एडवांस लेने वाली इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का ऑल ओवर इंडिया से जो कलेक्शन निकल कर आया था वो 64 करोड़ रुपए का रहा। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 116 करोड़ रुपए की हिस्टोरिकल ओपनिंग लेने में कामयाब रही। सुपरस्टार रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में बॉबी देओल, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी ने बेहतरीन काम किया है। उनके काम को दोस्तों ऑडियंस ने पसंद किया है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी को भी ऑडियंस लाइक कर रही है। अब दोस्तों इस फिल्म के सेकंड पार्ट का इंतजार है कि कब वो फिल्म रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के सेकंड और थर्ड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों अपने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पठान, टाइगर 3, गदर 2 और KGF चैप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली एनिमल ने अपने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ग्रोथ दिखाने में कामयाब रही। और दोस्तों इस फिल्म के अपने दूसरे दिन के कलेक्शंस में लगभग 15-20% की ग्रोथ देखी गई। और इस फिल्म ने जहां अपने दूसरे दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ही 62 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रही, तो वहीं दोस्तों अपने पहले ही दिन की तरह इस फिल्म ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर भी अपने दूसरे दिन 7 करोड़ रुपए के आंकड़ों को टच किया है। तो वहीं दोस्तों तमिल, कन्नड़ा और मलयालम भाषाओं को मिलाकर ये फिल्म अपने दूसरे दिन 8.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर टच करने में कामयाब रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो दूसरे दिन का कलेक्शन है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच करने में कामयाब रहा है। और इसी के साथ इस फिल्म का 2 दिनों का ऑल ओवर इंडिया से यानी कि सभी लैंग्वेजेस में जो कलेक्शन है वो 134 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच कर चुका है। दोस्तों बताते चले आपको कि सुपरस्टार रणबीर कपूर और बॉबी देओल की इस फिल्म को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी खूब पसंद किया जा रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि जहां अपने पहले दिन 116 करोड़ रुपए की हिस्टोरिकल कमाई करने वाली एनिमल ने बॉलीवुड इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग ली थी, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में लगभग 10% की ग्रोथ देखी गई है। और इस फिल्म ने 124 करोड़ रुपए की कमाई अपने दूसरे दिन भी की है। यही वजह है कि इस फिल्म का 2 दिनों का ही इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो 240 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने बॉलीवुड के इतिहास की 2 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। और पठान, गदर 2, टाइगर 3 और KGF चैप्टर 2 के भी रिकॉर्ड्स को इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़ दिया है। अगर
बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के आज यानी कि अपने तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि आज की इस फिल्म की एडवांस अपने पहले और दूसरे दोनों ही दिनों से लगभग 10% ज़्यादा है, यानी कि आज इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो लगभग 37 करोड़ रुपये के आंकड़े को ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर टच कर रही है। ये फिल्म दोस्तों आज मॉर्निंग से ही लगभग 80-90% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है। तो वहीं दोस्तों सिंगल स्क्रीन पर तो इस फिल्म के टिकट मिलना भी मुश्किल हो चुके हैं। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म की आज जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो 80-90% की है। आफ्टरनून और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी भी इस फिल्म की एडवांस में है 100% की ग्रोथ दिखा रही है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म की आज जो बुक माई शो पर टिकट सेल है वो लगभग 80-90 हजार पर घंटे के हिसाब से दिखाई दे रही है, यानी कि दोस्तों ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल ट्रेंड करते हुए जहां 70 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है, तो वहीं दोस्तों तेलुगु तमिल कन्नड़ और मलयालम भाषा को मिलाकर ये फिल्म आज लगभग 78 करोड़ रुपए की कमाई ऑल ओवर इंडिया से करने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का सिर्फ 3 ही दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 208 से 210 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। और दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास की पहली ऐसी फिल्म बनेगी जो कि अपने सिर्फ 3 ही दिनों में 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ओवरसीज में सुपरस्टार रणबीर कपूर और बॉबी देओल की इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। ये फिल्म दोस्तों शुरुआती 2 दिनों में ओवरसीज मार्केट से लगभग 80 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और आज अपने तीसरे दिन के साथ ही दोस्तों इस फिल्म का ओवरसीज मार्केट से जो 3 दिनों का कलेक्शन है वो 120 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। तो वहीं दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से इस फिल्म का जो 3 दिनों का कलेक्शन है वो लगभग 240 करोड़ रुपए का हो चुका होगा, यानी कि दोस्तों अपने 3 ही दिनों में ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 360 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कमाई करके सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी होगी। और दोस्तों जवान, पठान, टाइगर 3, गदर 2 और KGF चैप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास के नंबर 1 ओपनर सिर्फ 3 ही दिनों में बन चुकी होगी। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म में रणबीर कपूर ने जिस तरह का धमाकेदार एक्शन और रोमांस किया है वो ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है। तो वहीं दोस्तों उनकी केमिस्ट्री रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी के साथ भी काफी पसंद की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों बॉबी देओल का जो विलन अवतार है वो भी ऑडियंस पसंद कर रही है। वहीं दोस्तों संदीप रेड्डी वेंगा का जो डायरेक्शन है उसे भी ऑडियंस पसंद कर रही है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म 3 ही दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 360 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच कर चुकी है और बॉलीवुड इतिहास की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है। तो वहीं दोस्तों शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की बड़ी बड़ी फिल्मों को रिकॉर्ड्स को तोड़ने के बाद ही रणबीर कपूर बॉलीवुड के नंबर 1 सुपरस्टार भी बन चुके हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों एनिमल क्या अपने 5 ही दिनों में 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।